बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, चीन से भी खबरें निकलकर आ रही है, एक और पड़ोसी मुल्क है, वो भी बहुत कुछ करना चाहता नए साल में, हालांकि उसकी भी मजबूरी है। भारत एक ऐसी शक्ति बन चुका है जहां चीन की मनमर्जी नहीं चल सकती। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को नया आदेश दिया है, युद्ध लड़ने और उसे जीतने की तैयारी करे सेना, ये जिनपिंग ने कहा है। जिनपिंग ने युद्ध जीतने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का आदेश दिया है, सेना ऐसी हो जिसमें जंग जीतने की क्षमता हो, ये चीनी राष्ट्रपति ने अपनी सेना को कहा है। अपने दुश्मनों पर बेहद करीब से नजर रखे पीएलए, ये जिनपिंग का आदेश अपनी सेना को। जिस तरह से चीन ने कई मोर्चे खोल रखे हैं इस वक्त, निश्चित तौर पर उसके सेना के सामने ये बड़ी चुनौती है ही, चाहे वो समुद्र हो, चाहे जमीन हो, चाहे पहाड़ी इलाके हो, हर जगह चीन अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि वहां पर फ्रंट खोलने की कोशिश लगातार कर रहा है, वो देशों को, अलग अलग पड़ोसी मुल्कों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो जंग की तैयारी कैसी है, जिनपिंग की क्या आदेश है, ये हम आपको जल्दी से बताते हैं। चीनी सेना को क्या आदेश दिया गया है जिनपिंग के द्वारा, तो जंग की स्थिति से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स के गठन का आदेश दिया गया है जिनपिंग के द्वारा, और स्पेशल फोर्स ऐसी हो जो युद्ध लड़े और फिर उसे जीते भी, यानी कि वॉर हो तो फिर उसमें सिर्फ चीन की जीत हो, नई टेक्नोलॉजी और युद्ध की तकनीकों के साथ ट्रेनिंग करे पीएलए, ये आदेश जिनपिंग की तरफ से चीनी सेना को। अपने दुश्मनों पर बेहद करीब से सेना नजर रखे, चीनी सेना नजर रखे, प्रशिक्षण और लड़ाकू अभियानों के साथ तालमेल बिठाए सेना, ये कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, सेना की तरफ से ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करे जो युद्ध में काम आए और जवान न मौत से डरे न मुश्किल परिस्थितियों से डरे, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कोशिश। हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं, लेकिन जनरल, मेजर जनरल सिवाज हमारे साथ बड़े हुए हैं। सिवाज सर, ये जो चीन की कोशिशें, शी जिनपिंग की कोशिशें, जब भी कोई देश का नेता शांतिपूर्ण माहौल में अपनी सेना को इस तरह के भाषण देता है, इस तरह से उसको मॉरली हाई करने की कोशिश करता है, इसका मतलब कि अंदर खाने कुछ दिक्कत है, कहीं ना कहीं कोई आशंका है, कोई डर है, नहीं तो पीसफुल कंट्री हो तो उसको कहने की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखो ये आईना दिखा रहा है अपनी फौज को। आपको याद होगा इन्होंने लास्ट लड़ाई 1979 में लड़ी थी, 1979 में वियतनाम के साथ, एक छोटे देश के साथ भी मुंह की खानी पड़ी थी, और ये बैटल हार्डन आर्मी नहीं है। ये देखो गलवान के अंदर किस तरीके से भागे थे, 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। आज सबसे बड़ी चीन की प्रॉब्लम है लद्दाख के अंदर, उनके जवान वहां इतने हाई अल्टीट्यूड में रेरिफाइड इन्वायरमेंट में नहीं रहने के लिए काबिल। चॉकलेट आर्मी बोला जाता है, वन चाइल्ड फैमिली आर्मी है, तो सच्चाई यह है कहीं ना कहीं डर है। और यह शी जिनपिंग ने जो बोला है, यह आईना दिखाया चीन की आर्मी को, जो पीएलए आर्मी बड़ी बड़ी बातें करती है, हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करती है, एक्चुअल में वो बैटल हार्ड नहीं है। कोई सिवाज सर, कोई लास्ट ऑपरेशन जिसमें और घबराहट है, कोई लास्ट लगता है कि भारत की फौज के सामने कोई लास्ट ऑपरेशन आपको याद हो सिवाज सर, जिसमें चीन ने कुछ बहुत बड़ा किया हो, चीन ने फेस टू फेस कोई वॉर किया हो और उसमें बहुत बड़ी जीत हासिल को, कोई लास्ट ऑपरेशन ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको याद है क्या? मैं एक ही है जिसमें कुछ वो किया कि हमारी हालात उस टाइम खराब थी, 1962 की लड़ाई, उसके बाद कभी भी कुछ नहीं कर पाए। जैसे मैंने बताया 1979 में इनका मुकाबला वियतनाम से हुआ था, एक छोटा देश है, इनको मुंह की खानी पड़ी थी। सच्चाई यह है कि ये बैटल हार्डन आर्मी नहीं है, और ये जो है एक कंस्पिरेटेड आर्मी है, इसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, और इनको डर है कि भारत के साथ अगर लड़ाई हुई। नहीं, जेके त्रिपाठी सर, तो क्या ये जो ये टीस है कि ये 62 वाला भारत नहीं है, इसी वजह से आपको वीडियोस जारी करने पड़ते हैं, प्रोपेगेंडा वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहना पड़ता है, सेना के सामने आकर मोटिवेट करना पड़ता है, या दुनिया में अपनी बादशाहत को लेकर जो सवाल खड़े हो गए गलवान और पेंगोंग के बाद, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ती, कैसे से आप देखते हैं जिनपिंग के जो रवैया है इस बीच? जो है ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का 100वां वर्ष है, और इस 100वें वर्ष में शी जिनपिंग ये दिखा देना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, और हम वो ये सारा अपने इंटरनल अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, बट ये सवाल रवि भी पूछ रहे थे कि इसकी जरूरत क्या पड़े, अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप खलीफा हैं दुनिया के, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये दो जरूरतें हैं, एक तो ये है कि ये कहकर के ये एडमिट कर रहे हैं कि चीनी सेना अभी जंग लड़ने और जीतने के काबिल नहीं, और इसलिए उसको सेना को ये मैसेज दिया कि आप अपनी काबिलियत और बढ़ाओ। दूसरी चीज, पब्लिक को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम चाहे जो हो अपनी सेना की काबिलियत और बढ़ा करके
विश्व में अपना दबदबा कायम रखें। तो एक बड़ा फैक्टर यही है कि शी जिनपिंग अपना और अपनी पार्टी का कद देश के अंदर बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक के सामने। लौटूंगा आपके पास। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।